हाँ जी दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, उसके लिए अग्रिम थैंक यू। और बढ़ते हैं आगे इसी क्रम में। भारत की उत्तर सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है? वो है हिमालय पर्वत। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र में क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो भावर। भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं? तो 9 राज्य। और बढ़ते हैं आगे, भारत का दक्षिणी नोक कौन सा है? कैमोरिन। और इसी के साथ में आते हैं, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? यह है जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? वो है जम्मू कश्मीर। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल, कोरोमंडल तट। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ में है? बांग्लादेश। भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है रेड क्लिफ रेखा। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने के कारण आती है, कार्य करती है? मैकमोहन रेखा। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। और भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक कौन सा है? केप कोमोरिन। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और ऐसी जानकारी हम आपके पास लाते रहेंगे। सब्सक्राइब करना न भूलें।